सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। सो गाइस, आज की वीडियो में जो है बात करने वाले हैं आपके फेवरेट टॉपिक के बारे में, अपकमिंग बाइक्स के बारे में, जो कि गाइस 2020 में आपको देखने को मिल जाएगी। एंड तक इनमें से जो है लगभग 90% बाइक्स का जो है बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि वो आपको 2020 तक देखने को मिल जाएगी, मतलब एंड तक देखने को मिल जाएगी। एंड इनमें से कुछ एक ऐसी बाइक्स है जिनका अभी तक थोड़ा सा डाउट है, लेकिन उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सो गाइस, वीडियो को जो है एंड तक देख लेना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाए। सो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा एक एप्लीकेशन के बारे में, जो कि काफी अच्छी अर्निंग एप्लीकेशन है। इससे जो है आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हो। यदि घर पे आप फ्री हो, आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है, यदि दिन में आपके पास 10 से 15 मिनट भी टाइम है, सो आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हो इससे। यदि आप जितना ज्यादा टाइम दोगे उतनी अच्छी जो है इससे अर्निंग कर सकते हो। नीचे मैंने लिंक दिया है, डाउनलोड करो। जाके डाउनलोड करते ही जो है आपको ये ऐप 300 रुपीज देगी, यदि आप मेरे लिंक से डाउनलोड करते हो तो। यहाँ पे जो है 300 रुपीज को आप पेटीएम में निकाल सकते हो इंस्टेंट। एंड उसके बाद जो है गाइस और भी अच्छी आप अर्निंग कर सकते हो। कुछ नहीं करना आपको, ओनली इसको शेयर करो, डाउनलोड करवाओ बंदों से, काफी अच्छा पैसा आप कमा पाओगे। तो चलिए गाइस, बात करते भी फर्स्ट बाइक के बारे में। फर्स्ट बाइक हमारे पास आती है होंडा की तरफ से, हॉर्नेट BS6। ये जो है अभी तक इसका डाउट था कि आएगी नहीं आएगी, लेकिन फाइनली जो है कंफर्म हो गया कि ये बाइक जो है आपको BS6 अवतार में देखने को मिलेगी। BS6 मॉडल में जो है ज़्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, ओनली बेसिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको नए कलर्स वगैरह, यहाँ पे आपको इंजन कॉल देखने को मिल जाएगा, किल स्विच वगैरह, सो छोटे मोटे ही चेंजेस देखने को मिलेंगे। बाकी इसकी जो डिटेल वीडियो है वो भी आपको कल या परसों में देखने को मिल जाएगी। चलिए इस बात करूँ इसके इंजन के बारे में। सो यहाँ पे आपको 162cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक BS6 ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा। अभी जो है गाइस आपको ऑयल कूलिंग देखने को मिलेगी इस बाइक में। यहाँ पे आपको लगभग 15.2 bhp तक की पावर, जो कि थोड़ी सी बढ़ के होने वाली है, मतलब थोड़ी सी जो है इसकी पावर बढ़ाई जाएगी। एंड टॉर्क जो है आपको सेम ही देखने को मिलेगा, लगभग 14.5 Nm तक का। यहाँ पे जो है गाइस आपको 6-स्पीड गेयरबॉक्स मिल जाएगा। पहले आपको 5-स्पीड मिलता, लेकिन अब जो है गाइस आपको 6-स्पीड गेयरबॉक्स मिल जाएगा इस बाइक में, जो कि इस बाइक को और भी स्मूथ बना देगा। गाइस यहाँ पे आपको फुली LED हेडलाइट देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको सिंगल चैनल ABS भी मिलेगा। एंड यहाँ पे गाइस आपको डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाएगा, जिसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो आपको पहले मिलता था वही सेम आपको देखने को मिलेगा। गाइस आपको बता दूं, प्राइसिंग लगभग 5 से 10 हज़ार रुपए बढ़ने वाली है, लगभग 5 to 10,000 तक इसकी प्राइसिंग बढ़ेगी, बिकॉज आपको जो है इन छोटे मोटे चेंजेस के ही इतने पैसे पे करने पड़ेंगे, मतलब जो है इतनी प्राइसिंग तो बढ़ेगी ही। चलिए गाइस बात करते हैं सेकंड बाइक के बारे में। सेकंड बाइक हमारे पास आती है हीरो एक्सट्रीम 160R, जो कि काफी ज्यादा वेट करा रही है, लेकिन फाइनली जो है ये बाइक भी आपको नेक्स्ट मंथ के मिड में देखने को मिल जाएगी, मतलब जुलाई के मिड में आपको देखने को मिल जाएगी इंडियन मार्केट में। मतलब अभी जो है ये शोरूम्स में भी आना स्टार्ट हो चुकी है, मैंने देखी कुछ कल एक फोटोज, सो वहां पे जो है ये शोरूम में भी आ चुकी है। सो ये जो है गाइस आपको नेक्स्ट मंथ देखने को मिल जाएगी। तो आप इस बाइक के लिए वेट कर सकते हो। ये बाइक जो है हीरो की एक पहली बाइक है जो कि इतने अच्छे लुक्स और इतने अच्छे फीचर्स के साथ में आ रही है। इसकी प्राइसिंग भी आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी गाइस। इस बाइक में जो है आपको 163cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक BS6 एयर कूल्ड इंजन मिल जाएगा। 15 bhp तक की पावर आपको मिल जाएगी एंड आपको 14 Nm तक का टॉर्क मिल जाएगा। गाइस यहाँ पे यदि मैं कंपेयर करूँ FG वगैरह के साथ में, सो उनसे जो है ज़्यादा आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। एंड यहाँ पे जो है गाइस आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाएगा, फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाएगा, फुली LED हेडलाइट मिल जाएगी, जो कि देखने में काफ़ी शानदार लगती है, और इसी हेडलाइट की वजह से जो है इसका फ्रंट का लुक काफ़ी अच्छा निकल के आता है। गाइस यहाँ पे आपको 12 लीटर का मस्कुलर टैंक मिल जाएगा, जो कि देखने में काफ़ी शानदार लगता है। बाकी गाइस यहाँ पे आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाएगा, जिसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसी के साथ साथ आपको साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिल जाएगा। सो ये जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन या फिर बेसिक फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। गाइस प्राइसिंग की बात करूँ तो लगभग 95,000 तक एक शोरूम जाएगी। सो आप इसके लिए वेट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा जो है एक पैकेज आने वाला है हीरो की तरफ से। इसके लिए मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी आप बताना आप इसके लिए वेट कर रहे हो फिर नहीं कर रहे हो। चलिए गाइस बात करते हैं थर्ड बाइक के बारे में। थर्ड बाइक फिर से होंडा की तरफ से। अभी जो है होंडा की इसमें लगभग 3 बाइक है, उनके बारे में बात करूँगा मैं। सो यहाँ पे जो है गाइस थर्ड बाइक फिर से होंडा की तरफ से आ चुकी है, होंडा एक्सप्लेड BS6। हॉर्नेट एंड एक्सप्लेड दोनों का ही डाउट था, लेकिन अभी जो है दोनों का कंफर्म हो चुका है। तो दोनों बाइक्स जो है BS6 अवतार में आने वाली है। सो गाइस यहाँ पे जो है ये बाइक भी आपको जुलाई में देखने को मिल जाएगी। गाइस इस बाइक में भी आपको नॉर्मल कुछ बेसिक चेंजेस देखने को मिलेंगे, ज़्यादा कुछ खास चेंजेस यहाँ पे भी नहीं होने वाले। सो गाइस यहाँ पे आपको 162cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक BS6 ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा। सो गाइस ये जो है काफी अच्छे अपडेट होने वाले इसके इंजन में, कि अब जो है आपको ऑयल कूलिंग देखने को मिलेगी। गाइस यहाँ पे आपको 14 bhp की पावर, 14 Nm तक का टॉर्क, एंड यहाँ पे जो है आपको 5-स्पीड का गियरबॉक्स मिल जाएगा। गाइस यहाँ पे आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाएगा,
और रियर में जो है डिस्क भी मिल सकता है इस बाइक में। कैसे आपको बता दूं, एलईडी हेडलाइट मिल जाएगी आपको, जिसकी ब्राइटनेस जो है अच्छी खासी है, एंड यहाँ पे आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल भी मिल जाएगा, जिसमें आपको गियर इंडिकेटर वगैरह भी मिल जाता है, एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कैसे इसकी जो प्राइसिंग है वो भी लगभग 5 से 10 हज़ार रुपये बढ़ने वाली है। सो यहाँ पे जो है आप इस बाइक के लिए भी वेट कर सकते हो, ये भी जो है आपको लगभग 1 मंथ बाद देखने को मिल जाएगी। इस बात करूँ फोर्थ बाइक के बारे में, फोर्थ बाइक हमारे पास आती है यामा की FG25 BS6, जो कि आपको जून के मतलब इसी मंथ के जो है एंड तक देखने को मिल जाएगी, इसका जो कंफर्म हो चुका है। एंड यहाँ पे गाइस आपको बता दूं FG25 में भी जो है आपको काफ़ी अच्छे चेंजेस देखने को मिले हैं, जैसे कि आपको फ्रंट में जो है LED प्रोजेक्टर हेडलाइट, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, एंड उसी की वजह से जो है पूरा लुक्स ही चेंज हो चुका है। एंड यहाँ पे कुछ नए कलर्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगे इस बाइक में। सो ऐसे ही जो है छोटे मोटे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। गाइस आपको बता दूं इस बाइक में जो है आपको लगभग 249 cc का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक BS6 ऑयल कूलिंग इंजन देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको 20.8 bhp की पावर, एंड यहाँ पे आपको 20.1 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क, 5 स्पीड का गियरबॉक्स, एंड फुली डिजिटल मीटर कंसोल आपको इसमें मिलेगा, जिसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फुली LED प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल जाएगी जैसे कि मैंने आपको बताया था। एंड गाइस यहाँ पे आपको ड्यूल चैनल भी इसमें मिल जाएगा। गाइस यहाँ पे आपको जो है न्यू कलर्स वगैरह भी मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया न्यू कलर्स वगैरह, न्यू ग्राफिक्स वगैरह, जो कि इसको और भी अट्रैक्टिव बना देते हैं। सो गाइस यहाँ पे जो इसकी प्राइसिंग लगभग जाएगी 1.40 लाख तक एक शोरूम, बाकी इसके लिए आप वेट कर सकते हो, लगभग 1.40 to 1.45 तक ही जाएगी इसकी जो है। शायद FGS जो इसका मॉडल है उसकी हाइएस्ट जा सकती है 1.48 तक, मतलब 1.48 तक भी जाती है। सो ये जो है एक बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, बिकॉज यहाँ पे जो है डोमिना 250 भी जाती है 1.60 लाख तक, एंड यदि ये 1.50 के अंडर भी आ जाती है सो मैं जो है इस बाइक को वैल्यू फॉर मनी बोल सकता हूँ। सभी बात करते हैं इस फिफ्थ बाइक के बारे में। फिफ्थ बाइक हमारे पास आती है होंडा CBR 150R। सो ये बाइक भी जो है आपको 2020 के एंड तक देखने को मिल जाएगी, फेस्टिवल सीजन में जो है आपको देखने को मिल सकती है इंडियन मार्केट में बाइक। इस बाइक में जो है आपको 149 cc का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक FI BS6 लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। गाइस यहाँ पे जो है ये बाइक डायरेक्ट कंपटीशन देने वाली है R5 V3 को, एंड R5 V3 से ज्यादा कंफर्ट आपको इस बाइक में देखने मिलेगा। पावर हालांकि आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी कंपेयरिंग टू R5, लेकिन जो है टॉप एंड आपको लगभग आपको सेम सा ही देखने को मिल जाएगा, बिकॉज दोनों ही कंपनीज के जो है इंजन से काफ़ी ज़्यादा रिफाइन होते हैं। सो गाइस आपको बता दूँ CBR 150 में जो आपको पावर मिलेगी वो मिलेगी लगभग 17.1 bhp की, 14.4 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क मिल जाएगा, 6 स्पीड का गियरबॉक्स मिल जाएगा, एंड 12 लीटर तक का टैंक साइज मिल जाएगा। गाइस यहाँ पे आपको ड्यूल चैनल ABS मिल जाएगा, फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाएगा जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एंड यहाँ पे आपको फुली LED हेडलाइट मिल जाएगी। गाइस इसकी जो हेडलाइट है वो देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है, इसके लुक्स को जो है और भी अच्छा बना देती है। सो यहाँ पे जो इसकी हेडलाइट ही मेरे को मेन लगती है, बिकॉज हेडलाइट का लुक्स है वो काफ़ी अच्छा है और ब्राइटनेस भी जो है काफ़ी अच्छी आपको दे देगी। गाइस आपको बता दूँ इस बाइक में जो है आपको फुल फेयरिंग बॉडी मिलती है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती है और जो है किसी भी कस्टमर को अपनी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। गाइस यहाँ पे आपको कुछ कलर्स भी ऐसे ही मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छे इस पर शूट करते हैं जो कि। सो यहाँ पे जो है गाइस ये बाइक आपको जल्दी देखने को मिलेगी, आप इसके लिए वेट कर सकते हो। गाइस लगभग 1.45 लाख तक इसकी एक शोरूम प्राइस जाएगी। सो ये जो है लगभग उतना ही प्राइस हो जाएगा जितना R5 का है। सो लगभग 1.75 तक इसकी भी ऑन रोड प्राइस जाएगी। सो गाइस आप बताना आप R5 लेना पसंद करोगे या फिर CBR, सो ये जो है कमेंट में जरूर बता देना। सो चलिए गाइस बात करते हैं सिक्स बाइक के बारे में। सिक्स बाइक जो है गाइस बजाज प्लेटिना 100 cc डिस्क, ये जो है कुछ न्यूज निकल के आई है एक डीलरशिप से। डीलरशिप में जो है मैंने पता नहीं किया, उन्होंने खुद ही मेरे को बताया था कि ये जो बाइक है ये भी आने वाली है, लेकिन जब तक ये शोरूम में नहीं आ जाती मैं जो है इसको कन्फर्म नहीं बोल सकता कि ये बाइक आएगी ही आएगी। जब ये मेरी एक बार आंखों के सामने आ जाएगी तो आपको वीडियो भी मिल जाएगी और मैं जो है इसकी एक अपडेट वीडियो भी बना दूंगा। सो गाइस ये बाइक के जो है काफी ज्यादा चांसेस बढ़ चुके हैं कि ये बाइक आपको देखने को मिल जाए। इसमें जो है आपको ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, ओनली इसमें जो है फ्रंट में आपको प्लेटिना एच गियर की तरह डिस्क देखने को मिलेगा, उसके अलावा ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। बाकी इस बाइक की जैसे कोई और न्यूज आती है तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। तभी मैंने यार एक डिटेल वीडियो नहीं बनाई कि इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाना अभी बेकार है, जब तक इसकी कोई फोटोज वगैरह नहीं लीक हो जाती तब तक जो है इसकी एक डिटेल वीडियो नहीं बना सकता। अभी जो है जैसे ही इसकी फोटोज वगैरह आती है तो आपको जरूर वीडियो मिलेगी। बाकी गाइस ये थी कुछ बाइक्स जिनके बारे में आपको बताना था, एंड गाइस फिर भी आपके कोई डाउट्स इनसे रिलेटेड तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जो है आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे जो आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। MRD Vlogs नाम से जो है मेरी आईडी है, सो वहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। सो बाकी ये थी कुछ आज की वीडियो में, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।